He's there? He's there. Yes. द्वारा कृषि बीमा योजना के बारे में बोलना चाहूंगा महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदया, इतिहास में पहली बार बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि के से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान आर्थिक रूप से टूट चुका है। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल है कि वे बच्चों का पेट कैसे पालन करें, कहाँ से करें और अगली फसल के लिए धन कहाँ से लाएं। देश में किसानों की फसल नुकसान के लिए कृषि बीमा योजना चलाई गई थी, जिससे इस योजना के अंतर्गत किसान फसल के नुकसान का धन प्राप्त कर सके। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि किसानों की कृषि बीमा योजना से बड़ी उम्मीद थी, पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। बीमा कंपनियां किसानों और सरकार से मोटा प्रीमियम लेकर मालामाल हो रही हैं। आज किसान नुकसान की भरपाई कहीं से भी नहीं होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर अन्नदाता अपने खून पसीने के अदा प्रीमियम के बराबर भी मदद नहीं मिल पा रही। मौजूदा रबी फसल में कृषि बीमा योजना से किसानों की फसलों का 2136 करोड़ का बीमा कराया गया। यह स्कीम 65 जिलों में लागू है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार के साथ किसानों ने मिलकर 141 करोड़ का प्रीमियम दिया। योजना के मुताबिक किसी आपदा के दौरान 50% फसलों के नुकसान पर किसानों को तत्काल बीमा राशि का 25% सहायता मिलनी चाहिए। इस लिहाज से अब तक 534 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम किसानों के हाथ में होनी चाहिए, पर 7581 किसानों के बीच तक कुल 1.65 करोड़ रुपए ही पहुंचे हैं। ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि बीमा कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगे कि उन्होंने किसानों को जिस उद्देश्य से यह बीमा कराता है उसकी सहायता न होने के लिए बीमा कंपनियों की मानसिकता का क्या कारण है और बीमा कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। यही मेरा आज इस नोटिस का विषय है।